Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Priyanka Shikhawat. I hope you all are doing well. So guys, this is the 1st of December and today is the day of Tilak ceremony. We have already started many preparations. If you haven't watched any videos yet, so I will link it in the I button or at the last of this video. So you can go and give it a voice, give a like and subscribe my channel. Also share it with your friends and family. So इससे पहले मैंने दिखा दिया था कि मेरा रूम कितना गंदा गंदा सा हो रखा था, तो अभी मैं आपको, मैंने बिफोर दिखाया था वो वीडियो में डाल दूंगी एंड आफ्टर मेरा रूम का ये देख लीजिए, पूरा कर्टन कर्टन सा लग गया है एंड पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो नीचे दरी डाल दी गई है क्योंकि ठंड का टाइम है, किसी को बैठना है, कोई सामान रखना है तो उसके लिए नीचे पूरा दरी डाल दिया गया है एंड प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। नेल पेंट कल रात में मैंने दो बजे लगाई बैठ के, क्योंकि दिन में मुझे पता था मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी गाइज मैं ज़्यादा ऑन स्क्रीन तो नहीं आ पाऊँगी, मैं वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है यार, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है तो उसमें टाइम लगेगा। एंड आप लोग ब्लॉग्स इन्जॉय कर रहे हो कि नहीं, अगर कर रहे हो तो प्लीज़ बताना, मैं कोशिश करूँगी और मैंने से शूट करने की। तो अपना प्यार देते रहिएगा एंड वीडियो इन्जॉय करिएगा लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा। बाय। तो यहाँ पे ये सबसे पहले तो कर्टेन चेंज हुआ है, रेड वाला नया पड़ा हुआ है, बाकी ये जो मतलब ये सारे जो कर्टेंस हैं ये पुराने ही हैं, बस वॉश करके लगा दिया गया है। एक्चुअली ये जो पीछे खिड़कियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे दीमक बहुत ज़्यादा लग गई थी तो वो खिड़कियाँ के पल्ले जो थे सब ख़राब हो गए थे, इस वजह से फिर ऐसे पर्दा डाल दिया गया तो काफ़ी कवर हो गया। छोटा सा रूम प्यारा सा बड़ा सुंदर सा बन गया है तो ये अच्छा लगने लगा है। चलो रेडी हो जाते हैं तिलक के, मतलब जो भी पूजा होनी है उसके लिए मैं रेडी हो रही थी और बाहर जितनी भी गांव की जो भी औरतें थी वो आ गई थी, तो वो मुझे बोला गया था जल्दी से रेडी होके येलो वाली साड़ी पहन लो। तो यहाँ पे मैं मोडा का कंसीलर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, क्रीमी है काफ़ी ज़्यादा और स्टिक भी ऐसा है तो फिर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है यूज़ करने में, कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका एंड काफ़ी कॉस्टली भी नहीं है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ले सकते हैं। आई विल रिकमेंड दिस टू ऑल एंड जितने भी डार्क स्पॉट हैं या जो भी, अच्छे से कवर कर लेता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, मेरा शेड है नेचुरल बीच तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये करिए, वरना इसका जो लूज़ पाउडर आता है फिट मी का वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे एक मतलब इतने सारे लोग थे, भीड़ थी तो मिला नहीं, तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका भी कवरेज बहुत अच्छा है, अच्छे से लग जाता है एंड बिल्कुल भी ऐसे आर्टिफिशियल लुक नहीं देता है, बहुत जल्दी स्किन टोन में अपना स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। एंड पीछे ये पापा जी, इनके रूम में मैं तैयार हो रही थी क्योंकि यहाँ से पूजा वाला रूम काफ़ी पास में है, तो मुझे बोला था कि इनके रूम में चली जाओ क्योंकि फिर गाँव की औरतें रहती हैं, बार बार इधर से उधर करना, वो कई सारी बातें बनाई जाती हैं, तो इसलिए ये हुआ कि यहीं पे ही रेडी हो जाओ, डायरेक्ट इधर से ही पूजा वाले रूम में चले जाएंगे एंड फिर बाकी की जो भी पूजा होगी वो करते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से ऐसे ही तैयार हो गई थी। जो पूजा जो भी होती है, जो देवता पूजा जाते हैं वो मेरी अम्मा ही पूजती हैं, बड़ी अम्मा, मेरा ही नहीं पूरे गाँव में वही पूजती हैं तो मेरे देवता भी वही पूजेंगी। यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड ये सामान तिलक में जो जो जाना है इनके घर पे वो सारा यहाँ पे लगा दिया गया है, क्योंकि सारा सामान तो एक साथ नहीं संकल्पा जा सकता, तो सब चीज़ों में से कुछ कुछ लेके थारा में रख के वो संकल्पा जाएगा। तो यहाँ पे फ्रूट्स हैं कई सारे, सबके कपड़े हैं जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में भी दिखा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड गाइज आई एम सॉरी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्यों टाइम नहीं मिला वो आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चलेगा, थोड़ा सा सस्पेंस के लिए सॉरी, पर सच में टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे
पंडित जी भी आ चुके हैं, पाटे पड़ गए हैं, चौक बना दी गई है और तिलक का थारा भी तैयार हो चुका है, औरतें भी आ चुकी हैं, तो बस अब पूजा की देरी है। तो चलिए पूजा भी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। खींचो फोटो खींचो, मत ऐसे चलिए। पूरा ना हो भी पा रहा है ना, अभी नहीं आ रहे हैं। आउट हो करो ना करो। तो यहाँ पे बस मुझे लाया गया है एंड चुनरी डाल दी गई है। येलो साड़ी थी तो मैंने येलो चुनरी नहीं रेड चुनरी लिया, थोड़ा कंट्रास्ट में अच्छा लगता है एंड फोटोज़ में भी अच्छा लगता है, इसलिए रेड चुनरी डाली थी। और ये मेरी बड़ी अम्मा है, तो पूजा शुरू हो रही है। ये सबसे बड़ी चाची है मेरी, तो जो भी मेरे मतलब वो अक्षत और ये था मेरे हाथ में, इन्होंने अपने कोछे में ले लिया था। ये देखिए इन्होंने ही लिया था, फिर जाके इसको वापस से मंदिर में रख देना होता है। बाकी सारी पूजाओं में यही सिंदूर का वो यूज़ होता है। तो ये जाके पीछे मेरी छोटी अम्मा बैठी हुई हैं और ये सारी गांव की कुछ औरतें हैं जो बुलाई गई थी। तिलक की पूजा जल्दी इसलिए कराई जा रही है क्योंकि फिर तिलक जाते जाते भी टाइम लगेगा, शाम तक मतलब काफ़ी लेट हो जाता है फिर, और ठंडी का टाइम है तो कोहरा वगैरह का भी रहता है। और तिलक में जो पूजा होती है वो अभी मेरे पापा करेंगे, पंडित जी जैसा बताएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है ये, जितने भी मेरे घर के थे और मैं सब लोग मतलब सबकी आंखें भीग गई थी। ऐसा सच में ऐसा फील होता है ना कि हाँ अब इस घर से जा रहे हैं, इस घर पे मेरा कोई हक नहीं रहेगा। बहुत ही ना बहुत ही अजीब वाली फीलिंग होती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मा भी पीछे बैठी थी, वो भी रो रही थी, पापा से तो मैंने नज़रें नहीं मिलाई थी क्योंकि फिर मैं नहीं बैठ पाती।
फिर सारे मतलब पूजा हो जाने के बाद में फिर पांच लड़कों को बुलाया गया था संकल्पने के लिए। अमुक नाम दोस्त से मयंक सिंह जमानत से खल वस्त पात दक्षिणा संकल्प प्रतिज्ञा भैया बोले अहम परिचय हाथ लगा दे मजना हाथ लगाओ कहो हम करिश्ते हम करिश्ते बोले भैया। तो इसमें चाचा भाई जो भी घर के अंदर अवेलेबल मिल गया था उन लोगों ने संकल्प वा लिया था। और इसके बाद में ये निछावर दी जा रही है, सारी चाची लोग और अम्मा सब लोग नाउन को और परिजनों को निछावर दी हैं। तो बस ऐसे ही हो गई ये पूजा। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। आई नो थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अभी से आपको वीडियोज़ के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं फैमिली में जिसको भी आप चाहें उसको शेयर कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अपडेटेड रहती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।